हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। आज हम मटकी डेकोरेशन आइडिया सीखने वाले हैं क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और हमें दही हांडी बनानी होती है। तो ये एक स्मॉल साइज़ की मटकी है और इस पर मैं वाइट पेंट कर रही हूँ। आप वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हैं या चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्रेलिक पेंट लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे बेस कोट देना होता है। अगर आपके पास वाइट कलर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप कलर इस पर करना चाहते हैं आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हम वाइट कलर इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हम कलर इस पर उसके बाद अप्लाई करें, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, तो उसकी शाइन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो मैं सबसे पहले वाइट कोट ही करती हूँ मोस्टली। ये दो मटकियाँ मैं बना रही हूँ तो एक मटकी पर हो गया, दूसरी मटकी मैं करने वाली हूँ। इतना दूसरी मटकी जो हमने फर्स्ट टाइम पे की थी वो ड्राई हो जाएगी, तो बहुत जल्दी ये ड्राई भी हो जाते हैं और हम जल्दी जल्दी इन पर काम कर सकते हैं। तो पहली मटकी को रेड पेंट कर लेते हैं। जो मैं पेंट इस पर यूज़ कर रही हूँ वो चॉक पेंट है और इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये इजीली आपके जो लोकल स्टेशनरी शॉप्स होती हैं उन पर भी मिल जाता है और आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं। सिंपल पेंट है जो बच्चे स्कूल में यूज़ करते हैं, वही वाला पेंट है ये। तो हमने इसको पूरा अच्छे से अप्लाई करना है। कलर चॉइस आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहें। आप शाइन दे सकते हैं, बहुत अच्छी आ गई है। सेकेंड मैं येलो कलर ले रही हूँ। इसके बाद जो दही हांडी की और वीडियोस आएंगी वो मैं बड़ी मटकी पे और छोटी मटकी दोनों पर सिखाऊंगी, तो आपको मेरे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए, येलो पेंट भी हो गया है और हमारे दोनों पेंट बहुत जल्दी 5 मिनट्स के अंदर ड्राई हो जाएंगे, तो हम इस पर डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाली मटकी को मैंने ले लिया है और ग्लूगन की हेल्प से मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं या फेवी बॉन्ड आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी, उससे भी बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है। और अगर आपके पास लेस भी नहीं है तो आपके पास जैसे पेपर क्विलिंग की स्ट्रिप्स होती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रिप्स होती हैं, रेड के ऊपर येलो बहुत अच्छी लगेगी, तो आप पेपर से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए, सेम मैं दोनों मटकियों को बिल्कुल सेम बनाऊंगी, पेयर में बना रही हूँ। और अगर आप इन मटकियों को परचेज़ भी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं इन मटकियों का। सेंटर के लिए भी मैंने बहुत प्यारी सी लेस का यहाँ पर यूज़ किया है। ये भी हमारी स्टोन्स और मिरर वाली लेस है और पूरी मटकी हम मोस्टली मिरर और ऊन से बनाएंगे। बहुत ईजी है इसे बनाना, आप घर पर बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया मैं ऊन का यूज़ करूँगी, तो आप भी लेस की जगह ऊन का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स की ऊन हमें मार्केट में मिल जाती है, कॉस्टली भी नहीं होती और हमारी मटकियाँ भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी की पूरी मटकी सिर्फ और सिर्फ ऊन से बनानी सिखाऊँगी। तो चलिए, ये हमारी दूसरी मटकी पर भी लेस लग गई है और इन मटकियों को आप स्कूल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों के लिए स्कूल से प्रोजेक्ट्स आते हैं कि उन्हें मटकी डेकोरेट करनी है, तो ये बहुत इजी और बहुत ही अच्छा सा एक मेथड है। ये मिरर्स हैं मेरे पास सर्कल शेप के, तो इन्हें मैं ऊपर की साइड लगाने वाली हूँ। मिरर बहुत सुंदर लगते हैं जब भी हम मटकी डेकोरेट करते हैं। मोस्टली मैं मिरर्स का यूज़ करती हूँ जो भी मैं होम डेकोर या फिर इस तरह का क्राफ्ट बनाती हूँ, फेस्टिवल क्राफ्ट बनाती हूँ, उसमें मुझे पॉम पॉम्स, फ्लावर्स और मिरर्स का यूज़ बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी मिरर्स को आप डिफरेंट शेप्स में परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों मटकियों पे मिरर्स लग गए हैं। अब हमें इसको हैंग करने के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने मोटी वाली ऊन का यूज़ किया है। आप चाहें मौली का यूज़ भी कर सकते हैं या आप ऊन की चोटी बना सकते हैं या ऊन को 2-3 बार फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हमने बॉटम पे लगा लिया है और मैंने 3 पीस लिए हैं ऊन। 3 पीसेस से बहुत अच्छे से हैंग हो जाती है, 4 पीसेस लगाते हैं तो काफ़ी हौच पौच हो जाता है, इसीलिए 3 पीसेस का ही यूज़ करें। तो चलिए, अभी इसको नीचे से हम लोग ऊन से कवर करेंगे। सेम कलर की ऊन मैं यूज़ कर रही हूँ इसे कवर करने के लिए। ये देखिए, आप चाहें तो नीचे हैंगिंग्स भी लगा सकते हैं। अलग अलग स्टाइल से इसको डेकोरेट किया जा सकता है और आने वाली वीडियोस में मैं जन्माष्टमी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ, स्पेशली मटका डेकोरेशन, ड्रेसेस और झूला। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रोल रोल करना है बॉटम से। ये देखिए,
और लास्ट में हम इसको कट कर देंगे और ग्लू गन से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा जो ऊन का धागा है वो ना निकले। सेम प्रोसीजर से हम अपनी येलो वाली मटकी भी बनाएंगे और हमारा बहुत ही प्यारा सा पेयर रेडी हो जाएगा दही हांडी का जन्माष्टमी के लिए। अब आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा ही हैवी इसको बनाना है, देखिए इस तरह से हैंग हो जाएगा, ऊपर आप इसको गांठ लगा दीजिए तीनों को पकड़कर, और इस स्टेप पे भी आप छोड़ सकते हैं, बट मैंने इसको हैवी बनाना था तो मैं इसके साथ फ्लावर्स और मिरर्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो जो हमारी ऊन नीचे है उस पर मैं पेपर फ्लावर्स लगा रही हूँ रोज़ेस, ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो मिरर्स लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आप हैंगिंग भी लगा सकते हैं। डिफरेंट आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अपने चैनल पर। ये देखिए ये हो गया है और बीच में मैं मिरर लगा देती हूँ। ये आपके ऊपर है आपको कितना हैवी और कितना लाइट बनाना है इस मटकी को, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। जो मटेरियल आपके पास है आप उसे बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मटकी रेडी हो गई है और इसी तरह से मैं अपनी दूसरी मटकी को भी तैयार कर लूँगी। ऊपर से भी आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर दिया है ऊन को ताकि वो हिले ना मटकी के साथ, ये देखिए। और अब तैयार कर लेते हैं अपनी दूसरी मटकी भी फटाफट से, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लगेगी। मेरे पास येलो कलर की ऊन भी थी तो उसे मैंने यहाँ पर लगा लिया है, और ये मेरी दोनों मटकियाँ तैयार हो गई हैं। इनके अंदर हम थोड़ा सा कॉटन या फाइबर जो भी आपके पास हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि वो माखन का लुक दे, ये देखिए इस तरह से। और हमारी दही हांडी बनके रेडी हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से कर लीजिए ताकि आप भी ऐसी वीडियोस को रोज़ रोज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।